गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इज 11th of November 2024। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टुडे रूब्रिक। और आज की रूब्रिक क्या कहती है, ये भी सिप्लिनियम की रूब्रिक है और सिंगल रूब्रिक है ये। और इसको हम समझते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, राइटर क्या कहना है क्या नहीं कहना। जो आज की रूब्रिक है, मेमोरी एक्टिव पास इवेंट्स सो फार प्रीवियस टू हेज इलनेस, ये रूब्रिक आज की, ठीक है। मेमोरी एक्टिव पास्ट इवेंट्स फार प्रीवियस टू हेज इलनेस। अब ये क्या कहना चाहते हैं राइटर, ये सिप्लिनियम का सिर्फ सिम्टम है और रूब्रिक है, बड़ी खूबसूरत रूब्रिक है। और इसको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजों को क्लैरिटी आपके आएगी। अब मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपकी जो रिमेम्बरेंस होती है आपकी पास्ट एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन, मेमोरी कहते हैं। एक्टिव का होता है वो फंक्शनिंग होती है, अलर्ट होती है। तो अब पास्ट इवेंट्स कौन से होते हैं जो आपके अक्रेंस जो एक्सपीरियंस फ्रॉम द टाइम बिफोर द प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले जो होते हैं ना, उनको पास्ट इवेंट्स कहते हैं। जो उसके बाद जो आपके एक्सपीरियंस जो अक्रेंस जो वाकयात होते हैं उनको कहते हैं। अब रूब्रिक कहती क्या है, इसकी जो इन्फेरेंस है, इन्फेरेंस और इंटरप्रिटेशन का मैंने एक लेक्चर भी दिया हुआ है। इंटरप्रिटेशन या इन्फेरेंस, मेमोरी एक्टिव पास इवेंट्स फॉर प्रीवियस प्रेजेंटनेस इंडिकेट इन रियल अ मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन मेमोरी वेरी शार्प और वाइब्रेंट अबाउट पास इवेंट्स। इस बंदे की बहुत शार्प और तेज हो जाती है मेमोरी की पास इवेंट्स की। आफ्टर देयर इलनेस, यानी इलनेस से पहले की बात, मे बी वीक आर इम्पेयर्ड, उसके बाद उसकी इलनेस के बाद वो वीक हो जाती है, इम्पेयर्ड। दिस द फोकस ऑन इज ऑन हाउ दिस देयर मेमोरी इज स्ट्रांग फॉर ओल्डर डिस्टेंट मेमोरीज बट स्ट्रगल्स विद नेवर वंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो पास्ट मेमोरीज है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है और बड़ी वाइब्रेंट क्लैरिटी के साथ आती है। दिस रूब्रिक कैन बी सीन इन एज इन क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये एक रूब्रिक बताती है कि पास्ट के साथ क्लिंग बहुत करता है। इंडिविजुअल मे फील इमोशनली मेंटली स्टक इन अ टाइम बिफोर द लाइफ वाज डिस्टर्बिंग बाय इलनेस, यानी इलनेस से पहले की जो बातें सारी। द इलनेस मार्क्स अ बाउंड्री इन देयर लाइफ, इलनेस जो होती है वो आपकी जैसे समझिए एक बाउंड्री है लाइफ की, सेपरेटिंग देयर हेल्दी एंड पास्ट देयर अनवेल प्रेजेंट। यानी ये आपका हेल्दी जो स्टेज था बीमारी से पहले वाला जो स्टेज है वो प्रेजेंट है, ये बाउंड्री है, ये बता रहा है। देयर माइंड रिट्रीट्स टू अ टाइम व्हेन दे लेफ्ट सेफ सिक्योर और होल एज इफ ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद देयर हेल्दी वर्जन ऑफ देमसेल्फ, वो जो आपका हेल्दी वर्जन था ना पहले वाला वो सारा बता रहा है। मिसाल के तौर पे इमेजिन अ पर्सन हु फील लाइक देयर करंट लाइफ इज अ ब्लरी, अभी जो उसकी लाइफ है ब्लरी है, यानी क्लैरिटी नहीं है, ड्रीम। बट रिकॉल देयर वेडिंग डे, उसका वेडिंग डे 20 साल पहले वाला, वो सारी जितनी है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें। देयर इलनेस हैज क्रिएटेड अ डिवाइड बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ देयर लाइफ टाइमलाइन, मेकिंग द पास्ट सीम मोर रियल देन द प्रेजेंट। बड़े क्लियर, बड़े साफ, सही तरह वो नजर आते हैं सब कुछ होते हैं। अब ये मैं आपको फिर इसकी और भी मिसालें देता हूँ आपको, यानी कि आपको इस मरीज की याददाश्त में सिर्फ उन वाक्यात की तफसील होती है जो उसकी बीमारी से पहले होती है। क्योंकि जब मरीज आपके पास आता है तो वो अपनी सारी वो बातें कर होता है जो बीमारी से पहले की वाली बातें हैं, यानी आपको क्या बताएगा अभी की नहीं बताएगा। जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो आपके साथ जो शेयर करेगा वो लाइफ की पुरानी आपकी पहले वाली जो लाइफ है, यानी इलनेस से पहले, बीमार होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल वो बीमार 1 साल से है, 2 साल से है, 5 साल से है, 3 साल से है, 10 साल से है, तो वो उससे पहले वाली जब हेल्दी स्टेज में था तो वो अपनी हेल्दी स्टेज की जितनी मेमोरी है ना, यानी कि आपकी इलनेस से पहले, इलनेस से पहले का क्या मुराद होगी, एक शख्स है वो उसके घर वाले कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब ये इसका आपके पास जो मरीज है हमारे पास है, ये आज से 5 साल 8 साल पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, इसकी मेमोरी एवरीथिंग वाज एक्टिव, सब कुछ याद था, अभी का याद था, हर बात याद थी, ये काम करता था, जॉब करता था, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद ये अब उसके बाद इसका इश्यू बना है। तो इलनेस स्टार्ट फ्रॉम डेट टाइम, ओके।
डिजीज कोई भी हो सकती है। तो अब आपने वो फिर जब आपके पास पेशेंट आएगा तो वो पेशेंट आपकी वो बातें सारी आपको बताएगा। अब आपने कंफर्म करना काम पर क्या आता है कि बीमार कब से हुआ है। अब बीमारी दो टाइप की होती है, एक बीमारी होती है आपकी फिजिकल लेवल पे आती है, मेंटल लेवल पे आती है। अब फिजिकल लेवल की तो आपको नजर आ रही होती है जो आपको उसके साथ इश्यूज होते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे क्या हो सकता है। मेंटल लेवल के वो रिसेंट मेमोरी का इश्यूज है, बातें भूल जाता है, ये करता है वो करता है, ये आपकी बात है। फिर आप अपने सवाल करना होता है ये जो बातें भूल जाता है या इसको ये इश्यूज होता है या कुछ भी जहनी तौर पे या कोई बीमारी और भी है, नफसियाती बीमारी कोई भी है, तो ये भी आप पूछ सकते हैं कब से है। तो वो कहते हैं कि 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से। तो फिर आपने उससे वो जो मरीज आपके साथ, फिर जब मरीज के साथ इंट्रेक्शन होती है आपको, वो कौन सी बातें बताएगा आपकी इलनेस से पहले की वाली। वो इतनी क्लैरिटी के साथ, मेरी शादी हुई थी, हम वहाँ गए थे, इधर हुआ था, ऐसे तब हम ऐसे रह रहे थे, ऐसे रहे। ये असल में क्या होता है कि फिर असल में ये क्या होता है कि अगर आपको, इसलिए कहते हैं आप पूरा आईपीआर का वर्जन भी यहाँ पर आता है। आईपीआर मीन्स कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिनके साथ होते हैं, तो जो आपके जो बाकी लोग होते हैं आईपीआर जो रिलेटिव होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वो आपको बताते हैं सारी बात। अगर मरीज का तो आपको नहीं पता। अब मरीज ने अगर आपको बातें वो सारी पहले वाली बता रहा है तो आप कई दफ़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पेशेंट विवाशियस है, पेशेंट वो है, पेशेंट ऐसा है, ये तो कम्युनिकेटिव है, फलाह है, सब कुछ है, लेकिन असल में क्या होता है वो आपको पुरानी बातें सारी बता रहा है। अब यहाँ पर आपको जब आपको आईपीआर का वर्जन लेंगे तो वो आपको बता देंगे ये तो 10 साल से बीमार है, 5 साल से बीमार है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि दिस पर्सन इज टेलिंग द ऑल द स्टोरीज, ऑल द इवेंट्स, ऑल दीज थिंग्स, बड़ा एक्टिवली आपको बता रहा है। सिटिनी इज रेमेडी एसोसिएटेड विद डीप सिटेटेड क्रॉनिक कंडीशन ऑफन लिंक्ड विद द नियाज़म और सेफलेस। दिस पर्टिकुलर रूब्रिक इंडिकेटर मेंटल स्टेट ऑफ रिग्रेशन सीन इन द पेशेंट वेयर दे क्लिंग टू मेमोरीज फ्रॉम द टाइम बिफोर द कंडीशन वर्सेंड। यानी वो सारी मेमोरी जो होती वो जब वर्सन होने से पहले था। इट रिफ्लेक्ट एन इमोशनल साइकोलॉजिकल विड्रॉल इन द पास्ट कॉपिंग मैकेनिज्म। जो पास्ट मैकेनिज्म वो कॉपिंग करेगा। अब सीन द पेशेंट एक्सपीरियंस इंटेंस डिस्पेयर फियर एंड होपलेस रिलेटेड टू देयर करंट स्टेट। इससे इतना ज़्यादा उधर होपलेस है, फियर है, चीज़ें, तो वो पास के उसमें ये सब में ये एक बैलेंस करने का तरीका आप देते हैं। द पेशेंट विद क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉनिक डिजनरेटिव डिजीज है, ब्रेन होता है, डिमेंशिया आ गया, सब सच एज सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मे हैव डिफिकल्टी विद शॉर्ट टर्म मेमोरी बट वाइब्रेंट रिमेंबर इंसिडेंट फ्रॉम द डिकेड्स एगो। वो सालों जो पहले होते हैं वो डिकेड्स मतलब 10 ईयर रहते हैं। दे माइट रिकॉल अर्ली चाइल्ड हुड इवन देयर एस्टोनिशिंग डिटेल बट फॉरगेट रिसेंट कन्वर्सेशन आर वेयर दे प्लेस्ड देयर कीज। ये उसको बेसिकली कहना चाहता है। अब मैं इसकी तो मैं आप लोगों को अच्छी मिसाल देता हूँ। जब हम अक्सर ये जो बुजुर्ग जो एजेड लोगों को मिलते हैं ना, 80 साल, 90 साल, ये बंदा कोई मरीज आपके पास आता है, अक्सर आके वो कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब इसकी मेमोरी का इशू है। वो आके कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये भूल जाता है, ये हमें याद नहीं करता क्या खाया, अभी किसने खाना हमें दिया तो कहता है मुझे खाना नहीं दिया, फला नहीं किया, ऐसे नहीं किया, इनको चीज़ें याद नहीं रहती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा अब जब आपके पास फिर आप उससे उनसे सवाल पूछते हैं कि ये जो पस्ता इस आपके साथ आया, इनके पेशेंट के साथ आया, तो ये कब से है। तो वो कहते हैं ये तकरीबन हमारे पास 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको उस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये 10 ईयर से ये इलनेस स्टार्ट हुई है। अब आप चाहते हैं जी कि जब मरीज से आप इंट्रेक्शन करते हैं तो वो आपको सारी बातें बता रहा है, हम वहाँ भी गए थे, उधर गए थे, मैंने ये जो आपकी थी मैं वहाँ गया था, कब किया था, इधर किया था, बचपन की बातें कर रहा है, वो हमारी लाइफ में हमारी शादी ऐसी हुई थी, हमारा ये काम ऐसे हुआ था, मैं वीने से बात की थी, मैंने उससे बात की थी, मैंने ऐसे हुआ, सारी बातें वो करेंगे। चलिए अजीज साहब का नाम ले लेते हैं ना, चलो ये ना कहेंगे अजीज साहब मेरा नाम ले लिया, तो वो क्या कहते हैं कि वो सारे इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। अब आपके पास कितना क्लैरिटी आ गई कि इस पेशेंट को वो जो पास्ट मेमोरीज हैं, जो पास्ट मेमोरीज मीन जो होता है कि इलनेस से पहले 10 साल से पहले वाली सारी मेमोरी वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है सारी। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि आपको पेशेंट को आमतौर पे जो एजिंग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं जी कि उसमें वृत्ताकार बहुत कॉमनली वी आर यूजिंग द मेडिसिन।
अब आपको समझ आई कि यहां पर आपकी कौन सी मेडिसिन बनेगी, सिर्फ सिप्लिनियम, ओनली सिप्लिनियम। आप सिंगल सिप्लिनियम क्या करती है, वो आपको मेमोरीज, इलनेस से पहले वाली सारी मेमोरीज आपको बड़ी एक्टिव होंगी। अब ये जो बंदा होता है फिर अपने आप को एक्टिव रखता है, फॉर एग्जाम्पल इसने आज से 20 साल पहले कोई शादी का कार्ड था या कोई साइकिल था या कोई गाड़ी थी इसकी, उसको बड़ा संभाल रखेगा, देखेगा हाँ ये गाड़ी ये चीज़ साइकिल, देखे ये घड़ी थी या कुछ चीज़ ये मेरी थी, मैंने ली थी, कब ली थी जी आपने, तो ये बताते जी मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपको वो बता देगा ये अगर 20 साल पहले बता देते जी मैंने 2000 में ली थी, ये 2000 में ली थी, मैंने उससे ली थी, ये ली थी और हम लोग वहां गए थे, सारी बातें बड़ा। अब हम इसको मिस इंटरप्रेट कर रहते हैं, किस पे मिस इंटरप्रेट कर रहते हैं, हम ये कहते हैं कि अब अगर डायरेक्टली पेशेंट का उसके आईपीआर का वर्जन ना आए हमारे पास, उनके घर वालों का वर्जन ना आए, हमें ना पता चले कब से बीमार है, तो हम उसको मिस इंटरप्रेट करके उसमें करते हैं। अब देखें होम्योपैथी जो होती है ये चलती है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का। अब आपने उसमें कौन सी चीजें वीक है उसकी, अब मेमोरी को तो आप ले लेते हैं, आप चाहे वो यंग हो चाहे बूढ़ा हो कोई भी हो, तो वो मेमोरी को तो आप ले लेते, लेकिन मेमोरी में से कौन सी मेमोरी है ये स्पेसिफिक रूब्रिक बार दी, मेमोरीज बिफोर द इलनेस वो एक्टिव होगी और बहुत एक्टिव होगी, बड़े क्लैरिटी के साथ हर चीज वो बयान करेगा, चाहे वो यंग बंदा भी अगर आपके पास आता है तो वो अभी आकर आपको आपसे बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जी कि अपना उसका अगर आपको पता चल जाता है कि आईपीआर से आपने पूछना होता है, इसलिए कहते हैं ना कि खाली जब आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट के जो आपके रिश्तेदार होते हैं फैमिली वाले होते हैं उनसे भी आपने पूछना होता है कि ये कब से उनकी इंपॉर्टेंस कितनी इंपॉर्टेंस होगी, ये आपके पास जो डाटा आपके पास आता है वो डाटा कोई ज़ाहिर पेशेंट इस किस्म के मरीज तो आपको डाटा करंट डाटा देंगे नहीं, अभी क्या इश्यूज है उनको तो पता ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है मुझे क्या याद है क्या नहीं याद, तो यहाँ पर आपको कितनी आ गई आपकी मेमोरीज। इसी तरह हमारे पास कुछ केसेस यंग लड़के भी आए मेरे पास, मेरे 20 साल 25 साल के 30 साल के लोग आए, और जब मैं उनसे इंटरेक्शन की तो वो जब मैंने पता चला कि मैं आपको केस भी बताता हूँ, इसी तरह मेरे पास 30 ईयर का एक पर्सन था, तो उसको कोई इश्यू था ब्रेन में, यहाँ पर कोई कोई ट्यूमर टाइप बना हुआ था, मैलिग्नेंट नहीं था वो, तो वो ट्यूमर था अपनी जगह आ गया, तो वो बंदा मुझे ना सारी बातें बता रहा है बड़ी अच्छी जी, हम मैं ड्राइव करता था अपनी कार थी, हम वहाँ जाते थे ये काम करते थे वो करते, उसने तो जितनी बातें पूछी, हाँ हमारा बड़ा अच्छा फैमिली प्लान थिंग ये का अच्छा गुल्ला, बड़ी बातें क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं, और अपनी अच्छी अच्छी बातें जितनी भी जो भी बातें थी वो सारी बताने सुन रहा है, तो मेरा एकदम बड़े इसको आप देखें आप उन बातों से आप क्या करते हैं कि आप उस मरीज की जो होती है वो आप उसको वर्जन को एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, ये बंदा कितनी बात बता रहा है, ये बंदा बड़ा हंस के बात कर रहा है, ये प्लान कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, तो आपके पास बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें बातें आती है, लेकिन अब क्या हुआ अगर आपके माइंड में ये रुब्रिक आपके माइंड में मौजूद है तो आप उससे पूछते हैं जी अच्छा आप क्रॉस एनालिसिस करते हैं, जब आपको पता चलता है कि ये बंदा 10 साल पहले 15 साल पहले 10 साल पहले ये बीमार हुआ है, तो फिर उससे पूछते हैं बताएं जी अपना कल घर में आपने क्या खाना खाया, ठीक है इस तरह के सवाल आप पूछते हैं, क्या पूछते हैं जी आपने कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था, अच्छा ये बताएं कि आज डेट कौन सी है, ठीक है और ये बताएं कि अपना आज जो है वो मौसम कौन सा चल रहा है, सर्दी है गर्मी है, इस किस्म के सवाल बार डेट के बारे में इस किस्म के जो सवाल होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, और रिसेंट कोई एक्टिविटीज हुई है क्या हुआ कैसे वाकयात हुए, तो ये बताओ कि अपना आपने शाम को घर में क्या खाया था, अच्छा ये इस किस्म के सवाल आप पूछ सकते हैं आप रिसेंट मेमोरीज के, फिर उसके अलावा आप बताइए जी आपके बच्चों के नाम क्या क्या है, आपके फैमिली के नाम क्या क्या है, वो इस तरह बहुत से दोस्तों के नाम जो उन दोस्तों के नाम याद होंगे पुराने होंगे, आपके अभी घर में कौन कौन है क्या कौन कौन आ रहा है, पुराने लोगों के नाम याद होंगे रिसेंट वाले नहीं होंगे, सुबह किस बंदे को मिलकर आए थे कल किसको मिलकर आए थे, तो मेमोरीज नेम ये चीज़ें उसको नहीं होगी। अब मैं आपको देखो ना या के थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इनकी मेमोरीज में प्रॉब्लम करती हैं आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास है आपको क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, सिप्लिनियम के अंदर जो है ये अगर देखें तो किन किन चीज़ों के अंदर इसकी वो मेमोरी वीक हो जाती है और किन की नहीं होती, ये आपको मैं आपको लेके जाता हूँ, इसमें एक इसमें सबसे ज़्यादा जो मेमोरी का असर पड़ता है वो जो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए,
ये देखिए, मैं आपको ये सामने लेके आता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या चीजें, आप देखें किन किन चीजों को करता है। पहली बात है डेट्स, इसको याद रखें, फेस चेहरे देखे होते हैं, इसके भी मैं रूपरेखा अलग से पैसे सी। हैपन फॉर व्हाट हैज, उसके साथ क्या हुआ क्या था ये भी नहीं याद हो, उसके साथ क्या हुआ, गिरा था, चोट लगी थी, किसी को मारा था, जो भी था। नेम्स नहीं याद हो गए, पर्सन्स फॉर वो बंदा, वो हमारे घर में क्यों कौन था, नौकर था, क्या था, प्रसाद था, बॉस था। प्लेसेस फॉर जगह के नाम, प्रॉपर नेम्स, बंदों के प्रॉपर नेम नहीं होंगे। रीड फॉर ही है, व्हाट फॉर व्हाट ही है, उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। सडन द पीरियडिकल, इन्हीं के कोई चीज होती ना, कोई चीज सडनली आती चीज, या पीरियडिकल ये कल भी हुआ था, एक 10 दिन बाद, 10 दिन बाद होता है, इस किस्म की बात है, ये नहीं होगी। इस तरह फिर होते हैं बैड वीक फेसेस इवेंट्स नेम, पास इवेंट्स रिमेम्बर होंगे खाली। तो ये उसके बाद फिर उसके बाद आ जाते जी कि यहाँ पर आप देखें, इसने भी वही बात लिखी, ये सिंगल है, मर्फी भी दे रही है, मेमोरी वीकनेस है, मेमोरी व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर व्हाट है जस्ट, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, गिरे थे, क्या हुआ ना, फिर रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट्स, बट सिर्फ ये याद होते हैं, पास इवेंट सारे याद होंगे, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं बता सके, बाद ये इसके तरफ ये आएगा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे इसके अंदर ना, मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर और पॉसिबल है, इसके अंदर अच्छा, उसके बाद वर्ड्स वाइल्ड स्पीकिंग ऑफ द वर्ड्स हंटिंग, मतलब अल्फाज ढूंढ रहा होता है, अच्छा उसका क्या नाम था, वो क्या था, ये बातें इसके अंदर सारी आ जाती। उसके बाद कुछ जगह पे इन्होंने मेंशन ये किया है कि इसमें थोड़ा सा अगर आप जाएं आगे, मुख्तलिफ किस्म के राइटर जो होते हैं, ये मैंने हर एक राइटर का जब आप एनालिसिस करते हैं आपको पता चलता है। ये देखें एक राइटर है, ये एक लॉस ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिमेंबर नेम्स ऑफ बुक पर्सन प्लेसेस, रिदमिकल कैलकुलेशन, इसका मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो इसका सबसे बड़ा मसला है, रिदमिकल कैलकुलेशन वगैरह जो होता है, ये इसकी मेमोरी में, जब एज ए यंग बंदा भी हो ना, जिनमें मैथमेटिक्स ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा मसला होता है। ये इसके अंदर क्या क्या मैथमेटिक्स की तरफ, मैं आपको इसके एग्जैक्ट ले जाता हूँ ताकि आपको माइंड, इनके अंदर क्या मेमोरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि मैथमेटिक्स जो होती है इसके अंदर, जो रिदमिकल, ये देखें, ये रूपरेखा क्या, मैथमेटिक्स इन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स इन रिवर कैलकुलेटिव, जब आप तफरीक में ये बंदे बहुत नलायक होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये एक सिक्रीनियम वन ऑफ द मेडिसिन, और भी मेडिसिन इसमें आती हैं, अगर आपके पास यंग जनरेशन में स्पेशली कुछ लोग आते हैं, उनको अगर आपने देखने, तो उस वो बंदा कहे जी दरअसल मैथ से मुझे एलर्जी है, मैथ तो याद होती नहीं, कैलकुलेशन तो याद नहीं होती, वहां पर बड़े आराम से आपके पास ये जो मैथमेटिक्स के वाले से है ना, तो सिक्रीनिया सेफ्लिनियम जो है ये, उसमें मैथमेटिक्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा अलजबरा मैथमेटिकल ये चीज़ें वीक होंगी। तो ये एक वन ऑफ द मेजर मेडिसिन ऑफ दिस मैथमेटिक्स, बट लेकिन अदर चीज़ों के लिए ये बड़ी क्लैरिटी के साथ आती है, और स्पेशली ओल्ड एज में आपके पास, फिर आपके पास कई दफ़ा डिफ्रेंसिएशन नहीं आती, लोग अक्सर कंप्लेंट्स आते हैं जी कि हमारे पास तो कोई डिमेंशिया है, लेकिन आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है वो बंदा बातें कौन सी कर रहा है। इसमें जो डिजनरेटिव चेंजेस हो जाती हैं आपकी जो ब्रेन की होती हैं, तो वो डिजनरेटिव चेंजेस होने के बाद आपकी जो करंट मेमोरी वो खत्म हो जाती है, पास वाली रह जाती है। तो अब इसमें ये वृत्ताकार भी इसके बड़े नज़दीक आती है, लेकिन आपको कौन सी याद होगी, वो कहते हैं बचपन में चला गया। अब वहां पर क्या होता है कि ये वृत्ताकार हमारे पास होता है कि ये पर्सन बचपन में चला गया, हमारे पास बहुत क्लैरिटी थी बचपन नहीं। अब यहाँ पर अगर आपको बचपन के अलावा उसकी इलनेस से पहले की अगर सारी बातें याद है,
इसका मतलब ये हुआ सुप्लीनियम का, बस दिस इज द टुडे रूब्रिक ऑफ सुप्लीनियम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।